एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि वर्ड आयरोनिकली क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए आयरोनिकली। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वर्ड आयरोनिकली का इस्तेमाल हम दो सेंस में करते हैं। पहला, जब हमें कहना हो बड़े आश्चर्य की बात है या बहुत हैरत की बात है, यानी जब हम इस तरह का सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम कहते हैं ताज्जुब की बात है कि या आश्चर्य की बात है कि, तो वहाँ पर वर्ड आयरोनिकली का इस्तेमाल करके हम अपने सेंटेंस को बोलते हैं। और दूसरी जगह वर्ड आयरोनिकली का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं किसी इंसान की बातों में ताना था, यानी वो आदमी वह बात ताना के साथ बोला। यानी अक्सर आप देखे होंगे कुछ लोग किसी बात को ताना के साथ कहते हैं या किसी पर ताना के साथ हंसते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां आप कहते हैं ताना या ताना से भरा हुआ, वहां पर वर्ड आयरोनिकली का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले आयरोनिकली का इस्तेमाल ताना के सेंस में देखें, उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जहां आयरोनिकली का इस्तेमाल ताज्जुब है या आश्चर्य है के सेंस में होगा। अगर आपको कहना हो वह ताने के तौर पर कही, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी सेड आयरोनिकली, यानी वह ताने के तौर पर कही। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह ताने के तौर पे पूछा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही आस्क्ड आयरोनिकली, यानी वह ताने के तौर पर पूछा। अगर आपको कहना हो ताज्जुब है या विडंबना है अंधा होते हुए भी वह कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आयरोनिकली बीइंग ब्लाइंड ही यूजेस कंप्यूटर, यानी ताज्जुब की बात है या यह विडंबना है कि अंधा होते हुए भी वह कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो ताज्जुब की बात है या विडंबना है कि एक अध्यापक होते हुए भी तुम गाली देते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आयरोनिकली बीइंग अ टीचर यू अब्यूज, यानी ताज्जुब की बात है कि एक टीचर होते हुए भी तुम गाली देते हो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो ताज्जुब है या विडंबना है वह दूसरी मंजिल से गिर गया और जिंदा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आयरोनिकली ही ड्रॉप्ड फ्रॉम सेकंड फ्लोर एंड इज अलाइव, यानी ताज्जुब की बात है या विडंबना है कि वह दूसरी मंजिल से गिर गया और जिंदा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा कि आयरोनिकली का मतलब होता है ताज्जुब है या विडंबना है, और आयरोनिकली का मतलब ताना भरा भी होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इन दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।